तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो 1 kg दिया हुआ है। दिस सॉलिड स्फीयर है मास 1 kg ऑलरेडी। अ रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, मतलब ये रोल विदाउट स्लिपिंग ए प्लेन सरफेस पे रोल कर रहा, मतलब ये ओमेगा से अपनी एक्सिस पर घूम कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे भी जा रहा है। मतलब दो टाइप के इसमें मोशन है। और कहता है इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी वो है, वो दिया हुआ है, दैट इज 7 × 10⁻³ जूल, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पीयर, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकालना, मतलब वी सी एम की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो बहुत आसान है, वी सी एम की कैलकुलेशन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख दो। तो अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोनों टाइप के मोशन का ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मेरे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, हाफ एम लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस रोटेशन का, आई होप कि आपको फार्मूला रटा होगा, आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा। आई क्या है मेरे भाई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो सॉलिड स्फीयर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो 2/5 mr² होती है अपने इस वाली एक्सिस पे। तो ये आ जाएगा 2/5 mr² और ओमेगा की वैल्यू भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू भी अपन आर आ जाएगा। ठीक है ना, भी अपन कैपिटल आर। तो यहाँ से भी अपन कैपिटल आर, मतलब यहाँ से देखोगे भी अपन कैपिटल आर का होल का स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी दिखेगी वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ, फील आ जाएगा दूसरे कलर का। अरे मेरे भाई, मैं यही कलर ले लिया तो थोड़ा फीलिंग तुम्हें ज़्यादा देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इधर बचेगा हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस, ये दो टू ने टू को खा गया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को, तो उधर क्या बचा, तो उधर बचा एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन 5। तो ये बच गया। अब एक काम करते हैं, इसको जोड़ जाड़ लेते हैं। तो अगर मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो ये आ जाएगा 7 mass m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा, समझ रहे हो, बी सी एम यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 10। तो दिस इज बेसिकली अब मास की वैल्यू कितनी थी, मास की वैल्यू n 1 kg थी, तो 1 kg थी। तो मैं इसको क्या करता हूँ मेरे भाई, 1 kg को मैं भूल जाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू 1 रख दिए, और काइनेटिक एनर्जी 7 × 10⁻³ थी, और यहाँ से 7 × वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर और 10 इधर से आ गया। तो कुल मिला के 7 ने 7 को, ठीक है, और ए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 10⁻²। 10⁻² अंडर रूट क्या होता है मेरे भाई, तो 10⁻², अंडर रूट 100, मतलब 1/10, मतलब ये आ जाएगा 0.1 m/s इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वो भरा जाएगा, हमारे लिए ही दिया गया था भरने को, तो 0.1 m/s। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।